hello dear students welcome you on asl classes and online study zone i'm ajay your mentor on uh, indian polity today we'll discuss next topic that is article 18 and article 19. we'll discuss this topic in detail before that we'll discuss it if you haven't subscribed our youtube channel please subscribe like share this video and if you haven't joined our telegram channel go इन टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स देर याइंड द लिंक फॉर टेलीग्राम चैनल प्लीज सब्सक्राइब दैट ऑल्सो सो अबाउट द आर्टिकल एटीन टॉक अबाउट द आर्टिकल एटीन सेज दैट एवोल्यूशन ऑफ टाइटल किसी भी तरह की उपाधि का निरस्तीकरण आर्टिकल अठारह में दिया गया है जिसमें कि कोई भी उपाधि जो सैन्य शैक्षणिक विशेषता आदि से संबंधित है राज्य उसके लिए किसी तरह का प्रावधान नहीं करता यानी कि नो टाइटल नॉट बिंग अ मिलिट्री और अकेडमिक डिस्टिंगशंस शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट सेकेंड इज नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरन स्टेट यानी कि किसी विदेशी राज्यों से भी कोई भी भारतीय किसी तरह का टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकेगा उसके बाद है नो पर्सन शैल हु इज नॉट he ऑफ इंडिया होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द स्टेट एक्सेप्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेजिडेंट एनी टाइटल फ्रॉम एनी foreign स्टेट यदि कोई भारतीय किसी भी तरह से प्रॉफिटेबल ट्रस्ट या एनी ऑफिस को होल्ड कर रहा है और वो भारत का सिटीज़न ना है ठीक है तो ऐसी कंडीशन में भी अगर उसको फॉरेन टाइटल एक्सेप्ट करना है तो वहाँ पर प्रेसिडेंट की कंसेंट का होना जरूरी है यानी कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है जबकि वो राज्यों के अधीन लाभ या विश्वास का कोई पद धारण करता है तो राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा चौथा जो क्लॉज है दैट इज़ नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट शैल विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेजिडेंट एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट अमेंट और ऑफिस ऑफ एनी काइंड फ्रॉम और अंडर एनी फॉरन स्टेट यानी कि राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का कोई भी पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी भी प्रकार का कोई उपहार उपलब्धियाँ या पद स्वीकार नहीं करेगा तो ये था हमारा एवोल्यूशन ऑफ़ टाइटल यानी कि किसी भी तरह की उपाधि को लेने से निरस्तीकरण करना भारत सरकार के द्वारा उसके लिए प्रॉपर काइंड ऑफ कंसेंट थ्रू द प्रेजिडेंट मिलना ये सारी की सारी बातें एवोल्यूशन ऑफ़ टाइटल्स में कही गई है उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल उन्नीस यानी कि आर्टिकल 19 सेज़ अनुच्छेद 19 और आर्टिकल 19 सेज़ दैट प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एट्सेट्रा यानी कि बोलने की आज़ादी से संबंधित या व्यक्ति की अपनी अभिवृत्ति या सोच को एक्सप्रेस करने के संबंध में कुछ अधिकार बनाए गए हैं और उनकी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी उसके ऊपर लगाई गई है जिसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को एक लिमिटेशन में बोलने की आज़ादी है हालांकि वो सभी तरह की बातों को रखने के लिए आज़ाद है लेकिन कुछ एक ऐसे पॉइंट्स हैं मुद्दे हैं जिसके ऊपर व्यक्ति को या नागरिक को देश के नागरिक को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है भारत सरकार के द्वारा जानेंगे हम इस आर्टिकल 19 के माध्यम से वो सभी तरह के तथ्य पहला है कि ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी कि आर्टिकल नाइनटीन क्लॉज वन सब क्लॉज ए कहता है कि टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपको पूरी तरह से बोलने या एक्सप्रेशन करने की आज़ादी है आप किसी भी तरह से अपनी भाषण दे सकते हैं ठीक है थीके? अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं और साथ ही साथ टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स ठीक है अगर कहीं पे आप इकट्ठे होना चाहते हैं तो शांतिपूर्वक तरीके से आप इकट्ठे हो सकते हैं और बिना किसी हथियारों के आप इकट्ठे हो सकते हैं बातचीत कर कर सकते हैं ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं या किसी मैटर के ऊपर अपनी विशेष बातचीत रख सकते हैं तो ये क्लॉज बी में कहा गया है उसके बाद टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन किसी तरह की एसोसिएशन या यूनियन का निर्माण करना इसके लिए भी आर्टिकल 19 में आपको पूर्ण आज़ादी दी गई है आप किसी भी तरह की एसोसिएशन और यूनियन का निर्माण कर सकते हैं उसके बाद आर्टिकल डी कहता है आर्टिकल नाइनटीन आर क्लॉज वन एंड सब क्लॉज डी कहता है कि टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया यानी कि आप भारत के किसी भी भाग में बिना किसी रोक टोक के घूम सकते हैं आ जा सकते हैं आपको किसी भी तरह की वहाँ पे आने जाने से मनाही नहीं होगी सो दिस इज़ रिटन इन द आर्टिकल 19 सब क्लॉज डी सो ई इज़ द टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरेटरी ऑफ इंडिया भारत के किसी भी भाग में रहना और वहाँ पे सेटलमेंट लेना भी आपका एक अधिकार है और इस अधिकार से भी आपको कोई व्यक्ति वंचित नहीं कर सकता उसके बाद है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशनस और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन्स ट्रेड्स और बिजनेस किसी भी तरह का आप प्रोफेशन को कैरी कर सकते हैं और कहीं पर भी आप कैरी कर सकते हैं किसी भी तरह का ऑक्यूपेशन कर सकते हैं व्यापार कर सकते हैं बिजनेस कर सकते हैं ट्रेड कर सकते हैं तो ये सारे के सारे अधिकार आपको क्लॉज एफ में देखने को मिलते हैं हालांकि पहले ये सेवन क्लॉज थे जिसमें से कि वन क्लॉज जो कि राइट टू प्रॉपर्टी था आपका वो रिमूव कर दिया गया है अब वो आपका एज अ लीगल राइट है ना कि वो फंडामेंटल राइट right है सो so, यहाँ तक हमने इसको पढ़ा इसके बाद अब हम इसमें पढ़ेंगे कि इसके ऊपर कुछ एक रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन है और रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन में जैसे कि पहला क्लॉज है आपका तो उसमें ये देखने को हमें मिलता है कि कोई भी व्यक्ति ठीक है अपनी स्पीच और एक्सप्रेशन एक्सप्रेस कर सकता है बट वो इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया ही बात करे अगर इसके अगेंस्ट होता है तो स्टेट उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकती है द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरन स्टेट पब्लिक ऑर्डर डिसेंसी एंड मॉरेलीटी और इन रिलेशन टू कॉन्टेम्प्ट डेफेमेशन एंड इंसाइटमेंट टू एंड ऑफेंस अगर इस तरह से कोई भी बात आती है देश के रिलेशन को ख़त्म करने की बात आती है या इंटरनेशनली संबंध को तोड़ने की बात कोई व्यक्ति करता है या किसी आ, पब्लिक ऑर्डर को ना मानने की बात करे या कहीं पे डिसेंसी पैदा करे या नैतिकता को ख़त्म करने की बात करे तो ऐसे संबंध में उस व्यक्ति की बोलने की आज़ादी को छीना जा सकता है उसके बाद सेकंड कहता है कि बी में जो हमें आज़ादी दी गई है उसमें भी ये है कि आप कहीं पर भी कुछ भी कर करिए ठीक है बट उसके साथ साथ आपको भारत की जो सोवनीटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया है या पब्लिक ऑर्डर है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर लगाई जा सकती है कि अगर आप किसी भी तरह से भारत की अखंडता एवं उसकी एकता को तोड़ने की बात करते हैं या उसको किसी भी तरह से इफेक्ट करने की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको रोका जा सकता है तो इसी तरह से क्लॉज फोर एंड फाइव भी रीजनेबल इंस्ट्रिक्यूशन की बात करते हैं उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ दैट इज मैंशन इन आर्टिकल नाइनटीन क्लॉज वन सब क्लॉज सी बिकेम द फंडामेंटल राइट थ्रू नाइन्टी सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट टू थाउजेंड इलेवन जो हमारे पास एसोसिएशन या ग्रुप या यूनियन बनाने की जो मैंने बात की थी आपको सी क्लॉज में वो फंडामेंटल राइट right हमारा नाइन्टी सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट टू थाउजेंड इलेवन के माध्यम से बनाया गया है सो अब अब मैंशनड राइट और फ्रीडम्स आर नॉट एब्सिल्यूट सो कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ लेट डाउन सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज of these freedom and thus there is a balance between individual liberty and set state control these restrictions are to freedom of speech and expression is subject to reasonable restriction in the interest of sovereignty and integrity of india security of india friendly relation with friends foreign states and public orders decency morality or in relation to contempt of court defamation incitement and offence and in इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी तो आप किसी भी तरह से रिस्ट्रिक्ट भारत सरकार के द्वारा किए जा सकते हैं अगर आप देश की या राष्ट्र के लिए किसी भी तरह से खतरा पैदा करने की कोशिश करते हैं या किसी तरह से राष्ट्रीय संबंधों को खराब करने की कोशिश करते हुए पाए जाते हैं उसके बाद इसमें कहता है कि फ्रीडम टू मूव फ्रीली एंड रिजाइड एंड सेटल इज़ इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया कैन बी रिस्ट्रिक्टेड ऑन ग्राउंड ऑफ़ द इंटरेस्ट ऑफ़ द जनरल पब्लिक और प्रोटेक्शन ऑफ़ द इंटरेस्ट ऑफ़ एनी शेड्यूल ट्राइब यानी कि अगर कोई शेड्यूल ट्राइब इस तरह से आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता है कहीं पर यानी कि आपको वहाँ पर जाने से वहाँ की जो कल्चर है संस्कृति है या सभ्यता है उसमें किसी तरह का खिलवाड़ हो सकता है या वहाँ की जो सभ्यता संस्कृति है वो जग जाहिर हो जाएगी और वो नहीं चाहते कि वो जग जाहिर हो तो ऐसी कंडीशन में भी आपको कुछ हद तक रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है जब तक कि मैटर सेटल ना हो जाए तो इस तरह से ये कुछ एक रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन थी इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ की इनर लाइन परमिट सिस्टम ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनर लाइन परमिट सिस्टम क्या रहता है कि इनर लाइन परमिट सिस्टम इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट अलाउ एन इंडियन सिटीजन टू विजिट और स्टे इन दिस स्टेट दैट इज़ प्रोटेक्टेड अंडर द आई एल पी एस इनर लाइन परमिट सिस्टम के माध्यम से जिन राज्यों को प्रोटेक्ट किया गया है उसमें आप विजिट कर सकते हैं भारतीय नागरिक होने के नाते आप वहाँ पर जाने के लिए अलाउ किए जा सकते हैं बट द सिस्टम ओज इट्स ओरिजिन टू द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 ठीक है यानी कि जो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1773 1873 बनाया गया था उससे इसको लिया गया एंड विच रिस्ट्रिक्टेड द एंट्री रेगुलेटिंग द स्टे ऑफ आउटसाइडर इन डेजिग्नेटेड एरिया टू प्रोटेक्ट क्राउन कमर्शियल इंटरेस्ट बाई प्रिवेंटिंग ब्रिटिश सब्जेक्ट इंडियन फ्रॉम द ट्रेडिंग विद दीज रीजन्स सो द इंडियन गवर्नमेंट इन नाइनटीन फिफ्टी मेनटेन द स्टेटस्यू बाय रिप्लेसिंग ब्रिटिश सब्जेक्ट विद सिटीजन ऑफ इंडिया आई एल पी एस इज़ करंटली इन फोर्स इन अरुणाचल प्रदेश नागालैंड एंड मिज़ोरम तीन ऐसे राज्यों हैं हमारे पास पूर्वोत्तर राज्यों जिसमें कि आई एल पी एस सिस्टम को लागू किया है और वहाँ पर जाने के लिए आपको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है in this case state can also lay reasonable restriction on right to practicing and profession or carrying on any occupation on the ground of interest of general public and subject of any law related to professionals and technical qualification necessary for practicing any professions or practice and carrying on any occupation trade and businesses on the carrying on by the states or एनी ट्रेड बिजनेस इंडस्ट्री सर्विस वेदर टू द एक्सक्लूसिव कंप्लीट और पार्शियल ऑफ दिटी सिटीजन और अदरवाइज यानी कि आपको किसी भी तरह का वहाँ पे व्यापार वहाँ पे सेटलमेंट करने से या वहाँ पर किसी भी तरह का बिज़नेस ग्रो करने से या सरकारी अर्ध सरकारी बिज़नेस को चलाने से रिस्ट्रिक्स किया जा सकता है क्योंकि वहाँ की जो सभ्यता है वहाँ की संस्कृति है ऐसा माना जाता है कि उसको बाहर के लोगों के द्वारा वहाँ पर जाने से खत खतरा पैदा हो सकता है या वो ख़त्म हो जाएगी और उसमें किसी तरह का अल्टरनेशन आ सकता है तो उसको एजिट बनाए रखने के लिए ठीक है तो वहाँ पे आपको इनर लाइन परमिट सिस्टम के माध्यम से परमिशन लेनी पड़ती है देन द नेक्स्ट इज़ इम्प्लीसिट राइट्स अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कि क्या क्या है कि राइट टू प्रोपोगेट वंस व्यू एज़ वाल एज़ व्यूज ऑफ अदर ठीक है दूसरा ये है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस है आपको ठीक है बट इसमें भी रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन ये है कि अगर पार्लियामेंट्री या संसदीय किसी कार्रवाई को ठीक है सरकार ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है तो फ्रीडम ऑफ प्रेस के माध्यम से प्रेस को यह अधिकार बिल्कुल भी नहीं है कि वो किसी भी तरह की पार्लियामेंट्री स्पीच या डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक कर दे बिना पार्लियामेंटमेंट्री परमिशन के और साथ ही साथ फ्रीडम और कमर्शियल एडवर्टीजमेंट राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ़ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन ये भी आपका एक आधिकारिक राइट right है ठीक है और साथ ही साथ राइट टू टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट नो फॉल मोनोफॉली ऑफ गवर्नमेंट ठीक है कोई भी व्यक्ति टेलीकास्ट कर सकता है ब्रॉडकास्ट कर सकता है उसके ऊपर सरकार का किसी तरह का एकाधिकार नहीं रहेगा सो राइट अगेंस्ट बोंद कॉल्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन ठीक है अगर आप कहीं पे बंद का ऐलान करते हैं यानी कि आप क्लोज ठीक है अगर जैसे कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चाहे तो कहीं पर भी रिस्ट्रिक्ट कर सकती है कि कोई भी मूवमेंट नहीं होगा किसी तरह का अवभगत नहीं होगा ठीक है तो इस तरह से जो चीज़ें रहती है तो उसके लिए राइट right अगेंस्ट बंद भी कहा गया है ठीक है जिसमें कि सरकार और कोई ऑर्गेनाइजेशन को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर, करा सकते ठीक है सो राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटी एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन भी इसमें इंक्लूड किया गया है ठीक है जिसमें कि सरकारी जितनी भी गतिविधियाँ होती है उसके से संबंधित अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी की चाहिए तो वहाँ पे राइट टू इन्फॉर्मेशन इंसर्ट किया गया है और ये 2005 में इंसर्ट किया गया है यूपीए सरकार के माध्यम से और इससे पहले ये क्या था कि दो इसको 2002 में बीजेपी और एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा भी इसको इम्प्लीमेंट किया गया था तो वो था राइट टू नो एक्ट बट इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया जब लेटर ऑन 2004 में यूपीए सरकार रिपीट हुई सॉरी अगेन उसमें सत्ता में आई तो उसके बाद इसमें स्पेशली उन्होंने राइट टू नो एक्ट को साइड बाय कर दिया और नया एक्ट जो कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है उसको लागू किया और उसके माध्यम से सभी तरह की अधिकारों की इसमें इंसर्शन की गई उसके बाद आता फ्रीडम ऑफ साइलेंस कि चुप रहने का भी अधिकार है ये भी आपका अधिकार है ये एक केस था कि जिसमें कि ये एक बच्चा जो कि मुस्लिम कम्युनिटी से था और राष्ट्रगान गाने के लिए वो आ, प, इंसिस्ट किया गया उसको या ये यूँ कहिए कि उसको बोला गया कि आप इसको लाउडली गाए ठीक है बट वो क्या कि जब राष्ट्रगान हो रहा था उसको पूरी मर्यादा के साथ फॉलो कर रहा था बट वो क्या जो अर्टरिंग थी ऑफ द वर्ड्स वो काफ़ी साइलेंट थी और उसमें मतलब वो वो ज़्यादा लाउडली नहीं, नहीं, नहीं चिल्ला रहा था जैसे कि और बच्चे चिल्ला रहे थे तो उस कंडीशन में कोर्ट ने जजमेंट दी कि अगर किसी भी तरह से ठीक है कोई भी व्यक्ति चुप रहना चाहे साइलेंट रहना चाहे तो वो रह सकता है उसमें आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप लाउडली बात करें या लाउडली किसी चीज़ को अटर करें तो वो राष्ट्रीय गान को पूरी मर्यादा के साथ फॉलो कर रहा था वहाँ पे खड़े होके जिस भी तरह से बट वही है कि एक अटरिंग उसकी साइलेंस में थी सो दैट्स द दिस इज ऑल्सो दम्प्लीकेशन ओवर द फंडामेंटल राइट सो नेक्स्ट इज राइट टू डेमोस्ट्रेट बट नॉट द राइट टू स्ट्राइक ठीक है कि आप डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं लेकिन स्ट्राइक करना उचित नहीं है और वहाँ पर आपको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है और आपकी स्ट्राइक को रोकने की पूरी कोशिश सरकार के द्वारा की जा सकती है सो राइट टू फॉर्म यूनियन और एसोसिएशन डज नॉट प्रोवाइड एनी राइट टू स्ट्राइक ठीक है कि ऐसा नहीं है कि आप यूनियन और एसोसिएशन बनाने के लिए स्वतंत्र है तो आप स्ट्राइक भी कर सकते हैं तो स्ट्राइक इज नॉट अ पार्ट ऑफ द यूनियन यूनियन और यूनिफिकेशन द्राइक्स आर कंसिडर एज द मोड ऑफ प्रोटेस्ट लॉकआउट और प्रिवेंटिंग अदर्स टू डू द जॉब इज़ वायलेटिव ऑफ़ द लॉ ठीक है कि ऐसा माना जाता है कि अगर आप किसी भी तरह की स्ट्राइक करते हैं तो उससे दूसरे व्यक्तियों के जो अधिकार है वो हनन होते हैं वहाँ पर दूसरे व्यक्तियों की जो वर्क है उसमें बाधा पहुँचती है तो इसलिए उस कंडीशन में सरकार आपको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है होप सो so, कि आपको आर्टिकल नाइनटीन समझ आ चुका होगा और नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो